हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज ये फ्राइडे का दिन जी हम सबका बहुत ही फेवरेट और बड़ा ही अच्छा दिन, क्योंकि वीकेंड का आगाज है और आज आखिरी लास्ट वर्किंग डे है, और कुछ लोगों को तो आज जो है वो डे भी शॉर्ट होता है वर्किंग आज। बट एनीवे, कराची वालों के लिए तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ इतनी छुट्टियां हो जाती है कि उनको अब छुट्टियों का ज्यादा चार्म नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम समझते हैं कि अब ये हो गई हैं तो ये बड़ा डिले होगा या इम्पॉसिबल होगा, इनका जो इलाज है मुश्किल है। मुश्किल भी कहते हैं कभी कभी, और कभी ये भी कहते हैं कि नामुमकिन है। वी ऑल नो कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर वो भी डिस्कवर नहीं हुई तो सून और लेटर डिस्कवर हो जाएगी। सिर्फ एक मीन्स नहीं है थेरेपी के, थेरेपी के मल्टीपल मीन्स होते हैं। तो अगर एक थेरेपी में आपको कोई मीन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी थेरेपी की तरफ चले जाइए, वहां नहीं मिल रहा है तो तीसरी थेरेपी की तरफ चले। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमें इलाज मिल ही जाता है। बट हम ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढें जो हमें हॉस्पिटल्स में ना मिले, जो हमें क्लिनिक्स में ना मिले, और इलाज भी ऑथेंटिक करें और गारंटी हो उनके इलाज की। मतलब इन सेंस हमें पता हो कि वो जो कर रहे हैं वो हमें किसी भी फॉर्म में हार्म नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों से हम आपको मिलाते हैं, और आज हमारे पास सीनियर रेकी मास्टर एंड थेरेपिस्ट मौजूद हैं, महमूद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी जो हम लोग ऑनर नहीं हुआ था सर, तो हम बात कर रहे थे कि अपने दिन का आगाज कैसे करना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजों से दूर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिन का आगाज तो तिलावत ही करना चाहिए। अगर घर में कोई भी सुबह उठे हैं, सुबह नमाज पढ़ने के बाद सूरह रहमान की तिलावत लगाया जाए। कोई भी घर में उठ गए हैं, नमाज पढ़ ली, सूरह रहमान की तिलावत लगाया जाए और जरा सा बुलंद आवाज में लगाया जाए ताकि वो आवाज घर के अंदर थोड़ी हल्की गूंजे। उस सूरह रहमान की बरकत से जो भी चीजें हैं, उल्टी सीधी चीजें सब निकल के चले जाए। और जैसे मैंने देखा है लोगों को इस तरह सूरह रहमान जो है ना वो या तो वो बड़े कॉमन रूम में लगाते हैं या किचन में लगाते हैं। नहीं, मेन रूम में लगाना चाहिए, बीच सेंटर में लगाना ताकि आवाज सब तरफ गूंजे और बरकत आए। और ये सूरह रहमान तो हर वक्त मेरे दिल में आवाज आती रहती है। आप अगर देखिए, किसी चीज से भी आप अटैचमेंट मोहब्बत कर लें तो आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह जो कुरान पाक है उससे मोहब्बत करें, अटैचमेंट रखें, हर चीज का हल उसके अंदर है। देखिए, मैं कई जगह चैनल में बता चुका हूँ किताब के मुताबिक। एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। जैसे देखिए, हम आप खरीदते हैं, कोई टेलीविजन खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, तो वहां समझ लीजिए एक बुकलेट मिलती है। अब उस बुकलेट को हम फॉलो करते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इस तरह चलाना है, ये बटन दबाना है, ये नहीं दबाना, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। जब आप ये देखें कि उस बुक की हिदायत पे तो हम अमल कर रहे होते हैं, लेकिन कुरान पाक हमारे हिदायत के लिए, इंसान की हिदायत के लिए आई है, हम उस पे अमल नहीं कर रहे होते तो हमारे लिए मसले मसाइल आते हैं। वो कुरान पाक जो हमारे लिए बुकलेट है, तो वेरी नाइसली कोटेड। हाँ, कुरान पाक जो हमारे लिए बुकलेट है, आप देखें ना, उसको बड़े इतिहास से करते, नहीं डरते इसको नहीं दबाना, ऐसा हो जाएगा या गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कुरान पाक से तमाम हिदायत ली जा सकती है और उस पर अमल करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उसको बिल्कुल अपना जरिया बनाएं, कुछ भी करें, कुरान पाक को खोलें। बाज औकात देखा जाता है लोग सिर्फ बरकत के लिए रखते हैं, बरकत से नहीं होगा, उससे हिदायत हासिल करें। तमाम मर्ज का, तमाम इलाज का, दुनिया के हर चीज का इलाज है, लेकिन हम ढूंढते नहीं है। अल्लाह ताला जो है इंसान के आने से पहले देखिए पूरी उसके रिक्स भेज देता है हर चीज, लेकिन उसी तरह कुरान में तमाम इलाज का है तरीका कार, लेकिन हम अमल नहीं करते। बदकिस्मती से हम इधर उधर भाग जाते हैं कि कभी किसी, भाई वो भी तो इसी से हिदायत लेके आपको बता रहा हूं। सही। तो आप बराए मेहरबानी उससे हिदायत ले। और एक चीज मैं आपको बता दूं सूरह रहमान से मुताल्लिक, ये मैं तकरीबन 12 साल से बताते हुए आ रहा, हर चैनल में बताया। देखिए, खुदा ना खास कल्ला ना करे कोई तकलीफ है, किसी कैंसर का मसला है, कोई पेट का मसला है, कोई बीमारी है, कुछ है, तो एक छोटा सा एक टेप सा आता है। वो टेप जो है उसमें वो मेमोरी कार्ड आ जाता है, बाजार से मिल जाता है, उसमें आप सिर्फ जो है सूरह रहमान की तिलावत डाउनलोड करवाइए और कुछ नहीं, ठीक है। एक जग पानी लें, कांच का जग होना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं चलेगी, कांच का जग हो, पानी से भर दें, उसको ढक के वो टेप को किनारे रख दें, ढक के साइड पे स्लो आवाज में रख दे। 20 मिनट 56 सेकंड की है सूरज रहमान का, 20 मिनट 56 सेकंड, ठीक है, वो आप रख दें तो रात भर वो आज चलेगी।
खत्म होगी, फिर चलेगी रात भर वो तिलावत आस्ते आस्ते होती हो। जब सुबह जब उठेंगे आप तो वो पानी इतनी बरकत इतनी नेमतों से वो तैयार हो जाएगा, वो पानी आप उनको पिलाइए। देखिएगा वो पानी जाके अंदर के सेल को, ये पैगाम अंदर जाएगा, ये चेंज करता है, तमाम पैगामात है उसके अंदर। देखिएगा आस्ते 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 इंशाल्लाह ताला उस शख्स में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी। पानी से मुराद मैं ये बता दूं, मैं तो कुछ ना कुछ करते रहता ताकि लोगों को बताऊं। देखिए इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि कुछ आप दूसरों के लिए भलाई सोचें। जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे आपका खुद ब खुद भलाई होगा। पानी का मकसद जिस तरह अभी आपने तलावत का बताया, इस तरह तो जिन जगहों पे बहुत ऑफनली तलावत होती, अगर मदरसे में जाए जहाँ पे बच्चे सीख रहे होते हैं तो वहाँ तो सारा वक्त ही कुरान शरीफ की ना तलावत हो ही रही होती है, इस फॉर्म में दैट फॉर्म में, कोई एक पर्टिकुलर सूरा नहीं, मतलब वो जो जो भी सीख रहे होते हैं, तो मतलब वहाँ जो पानी मौजूद होगा वो भी बहुत बाबरकत होगा। हाँ, असल उसको सामने रख के तिलावत की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन पानी में जाती है। देखिए पानी जो है जिंदा है, सुनता है। हाँ, अब आप छोटी सी मिसाल में आपको बता, देखिए बहुत से बुजुर्ग हजरात आपको तावीज देते हैं गले में पहनने के लिए, लोग पहनते हैं कुरान की आयत लिख देते हैं, शफा की लिख देते हैं, तो वो होता क्या है, आप जब गले में पहने रहते हैं तो ये पैगाम अंदर जा रहा होता है आपके, इसलिए 70 और पानी है जिसम में 70%, ठीक है, तो ये पैगाम अंदर जा रहा होता है, इस सब मैं करके बैठा हूं, तो वो जाते जाते जब चेंज होता आपके जिसम का पानी तो आस्ते आस्ते आपकी तबीयत बेहतरी की तरफ आती है, यह है इसका फलसफा। अच्छा, हाँ, मतलब वो आपने ब्लड सर्कुलेशन को ही प्योर कर दिया। प्योर, जी जी जी, तो वो आस्ते 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 चेंज होता आप सही हो जाते हैं, तो इतनी बाबरकत चीज है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी को भी कोई भी मसला हो इधर उधर भागने वाले, आप कुरान से हिदायत दी जाए, सूरह रहमान रात को लगा के करें, सुबह लगाए, देखिएगा आस्ते आस्ते आपके रोजी के दरवाजे, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसी तरह हर चीज, ये पौधे भी सुनते हैं, ये भी मैं सब करके बैठा हूँ। आप दो पौधे रखें, अब करके देखिएगा, जैसा एक वो आप मोहब्बत भरी निगाह डालें, सिर्फ एक को जरा नफरत से देखें, 6 महीने तक देखें, देखें खाद पानी दोनों को बराबर दें, जिसको आप जरा नफरत से देखने दिखे वो काला सूख जाएगा। अच्छा, वो एक कहावत भी तो है ना, वो एक स्टोरी है कि वतन कुछ अरसे पहले जब किसी दरख्त को वो लोग काटते जी, नहीं जी, थे जी, जी, उसके जी, पास जाके से पूरा मोहल्ला जमा होकर ना सिर्फ उस दरख्त को बुरा भला कहता था जी, जी, तो वो दफा से खुद ही सूख गया। देखिए ये अफ्रीका में कोई ऐसा शहर है तो दरख्त को काटते नहीं है, उसको काटने से पहले ना सब खड़े होके बस यही कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, तुम सही नहीं, मतलब जो भी नापसंदीदा अल्फाज करते करते जब वो सूख जाता फिर उसको काटते, तो जब तक वो अलाइव होता है उसको काटते नहीं है, काटते नहीं, जाहिर ये सुनते हैं, मतलब है कि वो सब कुछ महसूस करते हैं, फील करते हैं। जी जी जी, हाँ, देखना तो मैंने उस दिन कहा था ना, एनर्जी, पूरी कायनात एनर्जी से बनी है, एनर्जी हर जगह मौजूद है, इंसान, पौधे, जानवर, ये सब कुछ मौजूद है, और सब एनर्जी से जी रहे होते हैं, बगैर कोई चीज एनर्जी के है तो बताइए नहीं, आई डाउट, जो चीज जिंदा है वो तब्दील हो जाती है। अब अल्लाह ताला का निजाम में देखिए मुस्तकिल तब्दीली है, कभी रात है कभी दिन है कभी कुछ है, तब्दीली है, जब अल्लाह ताला के निजाम में तब्दीली है तो आप क्यों नहीं चेंज लाते हैं। सही। अच्छा सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, एक टाइनी सी ब्रेक है, अच्छी बड़ी काम की और अच्छी बातें हो रही है, डोंट मिस देम, बिकॉज इसी के बीच में आपको छोटी छोटी टिप्स ऐसी मिलेंगी जिससे आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपके जहन बैठ गए तो उसको डिलीट कर, उसका तरीका वही मैंने कहा, 100 से उल्टी गिनती। देखिए जब आप डीप में आते हैं तो लाशौरी के करीब करीब आ जाते हैं, तो जिस चीज से आपको ये मसला बना कुछ करा तो उसकी आप पिक्चर देखेंगे, ठीक है, राइट ब्रेन पिक्चर बनाता है, तकलीफ करता है, आर्ट फन कलर वलर ये पार्ट करता है, ठीक है, तो आप बैठने के बाद तस्वीर को जहां से ये चीज शुरू हुई थी आप उसको ला के, उस तस्वीर को ला के उसको माइंड से उस पर कलर फेर दें, उसको मिटा दें, जैसे देखें बच्चों को पेंसिल देते हैं, कॉपी पेंसिल देते हैं ना, बच्चा गलती हुआ तो मिटा देता है, अब वो मिट गया नजर तो नहीं आना, फिर दोबारा वो लिखता है, इसी तरह आप अपने माइंड से मिटाएंगे। अब देखिए ना, जब बड़े होते हैं तो हमें बॉल पेन दे दिया जाता है कुछ भी, तो वो हम फिर होशियार हो, फिर हम उसको मिटा नहीं सकते, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी से बात करो कुछ करो तो पहले तोलो नापो फिर बोलो, भाई
निकालने के पहले सोचो कि मैं क्या कर दूं, कि मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है। डेफिनेटली सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी को कुछ कह दूं इसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कुरान में है, दिन में है कि माफ कर दिया करो, थोड़ी देर के लिए आप सुकून में आ जाओ, कोई बात नहीं। देखिए बहादुर इंसान जो होता है वो माफ कर देता है कितने कुछ को, तो बहादुर इंसान होता है। बुजदिल इंसान जो होता है ना वो इंतकाम लेता है, वो इंतकाम लेता है। ये देख लीजिए आप, तो आप बहादुर क्यों नहीं बनते? माफ, हालांकि हम उसकी फिलॉसफी उल्टा प्रसिव करते हैं कि क्या तुम उसको छोड़ो कि तुम इतने लूजर हो या इतने डरपोक हो, हम इस तरह उसमें आ जाते हैं। हालांकि फिलॉसफी उसकी उल्टी है, उल्टी। तो आप बहादुर बने ना, माफ कर दिया करें, छोड़ दिया करें, दर गुजर कर दिया करें, आप बहादुर बन जाएंगे, आप अल्लाह के नजदीक भी बनेंगे, अल्लाह भी खुश। एक अजीब सी आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, अगर आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करके जाओ माफ किया, एंड देन इतना आपके अंदर पीस आता है इसको लेके, दोबारा उस बारे में नेगेटिव थॉट या आप अपने जहन को उस बारे में खराब कर ही नहीं सकते कि आप दोबारा से उस तरफ सोचे और आप टॉर्चर हो, वो था ना, आप अपने आपको सेल्फ टॉर्चर कर रहे होते हैं दोबारा बार बार सोच सोच के, तो वो टॉर्चर से बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब जब आप ये आदत डाल लेंगे, दरगुजर करेंगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सीखना चाहिए, ये जब तक सांस है, देखिए तकलीफें, ऊंच नीच, तंगदस्ती, परेशानियां, बीमारियां, ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको आप एक्सेप्ट करें ना। आप अपनी जिंदगी से क्या मांग रहे हैं? आप खुशियां मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, क्या क्या मांगते हैं आप, लेकिन उस जैसा आप बने तो सही। देखिए बगैर तायुन किए बगैर आप सफर शुरू नहीं कर सकते, ये मानना। बगैर नक्शे के आप मकान नहीं बना सकते, ये जाने बगैर कि क्या पकाना है आप खा नहीं सकते, ये जाने बगैर कि क्या लिखना है आप लिख नहीं सकते, हत्ता कि आप कोई काम नहीं कर सकते ये जाने बगैर कि मुझे क्या करना है। तो इसका सबसे आसान तो आपको क्या करना है पहले वो सोचें, अगर कोई कारोबार करना है, किसी से बात करना, पहले वो अपना मकसद बनाए। जब आप मकसद बना के करते, मकसद ये नहीं होना चाहिए जब मेरा मकसद, अगर मैं फर्स्ट कर लूं मेरा मकसद ये जिंदगी में लोगों को खुश करूं, तो ये मकसद नेगेटिव मकसद है। मकसद ये होना चाहिए कि मेरी जात से कुछ किसी को फायदा हो। देखिए दुनिया में जितनी तामीराती चीजें, जहाज वाज, ये बामकसद बने हैं और दुनिया में तखलीक हुई है। अच्छा सर, वेट लॉस का जो भी आप मेडिटेशन बताएंगे ना, नहीं एक काम करते हैं, इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन है, बहुत सारे लोगों को उसकी जरूरत है, तो फिर हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, हर जो वेट लॉस की जो मेडिटेशन है उससे बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन की, और इस मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। बताइए वजन कम करने का सबसे पहले तो आप ये देखें किस वजह से बढ़ा है, वजह नहीं, नहीं। अच्छा वजन बढ़ने का देखिए पहचान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे फिर पता चल जाएगा। वजन बढ़ने की सबसे पहली, जैसा आप देखिए एक सुजुकी में लिखा हुआ होता है मैक्सिमम लोड इतना, ठीक है, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा ना, लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर आप उससे ज्यादा लोड डाल दें तो देखिए उसकी कमानी बोल रही होती है, क्या हुआ, वजन ज्यादा आ गया। इसी तरह जब लिफ्ट में हम बैठे, देखिए नहीं चढ़ी वो लिफ्ट का मामला जो है ना आज है, इंपॉर्टेंट है, अगर चली भी तो फिर देखिए उसमें से कड़क कड़क आवाजें आने लगती, इसके मतलब ज्यादा है कि उसके ऊपर भी लोड डाल दिया गया। इसी तरह से इंसान के अल्लाह ताला ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है वो बिल्कुल अल्लाह ताला का निजाम बैलेंस है। देखिए मीजान आप बैलेंस करते हैं, उसमें कुछ अगर ज्यादा हो तो इधर झुक जाता है या इधर, तो आप अपने बैलेंस करने के लिए उसकी पहचान ये कि जब आप अपना लोड डालते हैं तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपके कमर में दर्द आके इशारा करता है आपको कि ये लोड बढ़ा, लेकिन हम किसी वजह से भूल जाते हैं। अगर कमर लोड नहीं, आप अगर कमर एडजस्ट कर जाती है, शुरू शुरू में आपको बताती है जरूर है, लेकिन बाद में एडजस्ट कर जाती है। नहीं तो वो जो एक मुस्तकिल एक काम होता तो वो जगह बना लेती है। तो अगर कमर से दर्द हटा तो देखिए घुटने में आएगा लोड बढ़ता, वो इशारा कर देगा कि आप घुटने में क्या,
अगर आप उसका इलाज नहीं कराते, कम नहीं करते, तो फिर वो एड़ी में चला जाता है। ये पहचान है तीन वजन बढ़ने की। एड़ी में चला जाए तो आपको चलने फिरने में परेशानी होगी। देखिए, भारी जिस्म, भारी होना, देखिए मोटा होना आसान है। आप खा लीजिए मुर्गन गिरा, इधर खाइए उधर, एक महीने में आप। दुबला होना बड़ा मुश्किल। में पार्कों में जाता हूँ, देखता हूँ बेचारे इतने भारी भारी जिस्म के, वो वॉक कर रहे होते पसीने में चूर, मुझे देख के दुख होता है। दुख होता है ना कि बेचारे किस तरह होंगे, वो हाँप रहे होते पसीने में चूर हो जाते। तो मोटापा करना, अच्छी अच्छी चीज खा जाना आसान काम है, लेकिन उसको कम करना बहुत मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, कम करने का जो तरीका है इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले कॉल अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? जी मैं शुमैला बात कर रही हूँ कराची से। डॉक्टर अफसर, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपका प्रोग्राम बढ़ता है, और स्पेशली मेट्रो के तमाम रोजाना मॉर्निंग शोज बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। बहुत लोगों को, और ये डॉक्टर महमूद ज़ारा, उनको आपने बुलाया तो बहुत अच्छा लगता, तो मुझे इनका फर्स्ट प्रोग्राम भी, और अभी भी माशाल्लाह ये आए हुए बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और अभी आप 11 बजे तक नीचे प्रोग्राम को लंबा बैठना पड़ेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम इन्हें 11 बजे तक रोक के रखें। ठीक है, पूछना था। जी जी, क्या पूछना है शुमाइला? मुझे पूछना था कि जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनका सोल्यूशन भी है? सॉरी, आपकी आवाज ये वाली तारीफ सारी समझ आई मुझे, ये वाली आवाज समझ नहीं आई। ओके, कुछ समझाया था आपको? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम अगर आप लोग बढ़ा दें तो शायद मुझे इनकी आवाज समझ में आ जाए। क्या कह रही थी? चले सर, हम आपको भी बताते हैं, उनसे वहां पे कंट्रोल रूम में पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम थे वेट लॉस की टेक्निक की तरफ। सबसे पहले शुमाइला, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द तारीफें, एंड आप लोग की तारीफों की वजह से हम जो है वो आगे बढ़े, आप हमारे साथ रहेगा। अब हम वेट लॉस की टेक्निक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपनी गिजा पे देखें। देखिए, गोश्त खाना कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि गोश्त ही खाते चले जाए, वो आपके जिस्म में, मतलब गोश्त खाने से तरह तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। कम खाएं, हफ्ते में एक दफा खा लें। इनकेस अगर आप मछली एक दफा खा लें, आपकी चेहरा हो रहा है, स्किन बिल्कुल सही रहेगी। उसके लिए ये है कि आप दाल सब्जी में गुजारा कर लो, दाल सब्जी पे। हाँ, आप देखेगा आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। वो मोटापा नहीं लाती, वो कुदरती चीज, ये जो चीजें जो होती है गोश्त में, वो गोश्त एक चीज खा रहे हैं, आपका जिस्म भी गोश्त से बना हुआ, तो जाहिर उसमें तो फैट होता है ना, तो वो फिर आस्ते आस्ते जमा होते होते फिर आस्ते आस्ते बढ़। इसकी टेक्निक ये है कि आप हर खाने से एक घंटा पहले 4 गिलास पानी पिए, मतलब उसी वक्त नहीं, 15 मिनट में एक गिलास पी लिए, फिर 15 मिनट इस तरह करके, फिर आप खाना थोड़ा सा आपको कम खाया जा रहा है। एक तो ये, दूसरा जो है, अगर आप चावल खाते हैं तो उसका पानी निकाल दें, बॉइल करके बिल्कुल निकाल दें, पीट सारी जो बिल्कुल निकाल दें। हाँ, देखिए उसमें जो है ना, एक प्लेट बिरयानी में इतनी शुगर होती है, आप हैरत होंगे कि आपको एक घंटा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन कोई बताते नहीं। एक प्लेट बिरयानी में सिर्फ एक घंटा पैदल, मतलब इतनी शुगर आ जाती है तो चलना पड़ेगा आपको वापस। तो इसका इन चीजों से जरा बचें। अगर आपको मिठाई खाना तो फल ले लीजिए आप, तो दूसरी चीज ले लीजिए जो कुदरती नेचुरल है, तो आप एक तो इससे बचें। ठीक है, और ज्यादा सोने से भी वजन बढ़ता है, वॉक करना सीखें, रो नहीं जा सकते तो कम से कम एक दिन बाद, और कम से कम 40 मिनट चलें। देखिए, हम हर एक की जात के लिए टाइम निकाल लेते हैं, इधर भी जा रहे हैं काम के लिए, लेकिन अपनी जात के लिए टाइम निकालते हैं। आपको अपनी जात, अच्छा वॉक करने का भी मैं बता देता हूँ किस तरह होती है। अगर आप वॉक कर रहे जा रहे हैं तो बात करे हुए जाएंगे, वॉक नहीं होगी आपकी। क्यों? क्यों? हाँ, आपकी टेंशन मेंटल मैसेज, हाँ मेंटल मैसेज आपको नहीं कम करेगा। अगर आप चिंगन चगवाते हुए जा रहे हैं तो वॉक नहीं होगी सही। है? जी, गाना सुनते हुए जा रहे हैं, वॉक नहीं होगी सही। आपको जो काम के लिए गए हैं आप खामोशी से जाएंगे, खामोशी से आएंगे आपके वॉक होगी, आपका मेंटल मैसेज जाएगा, आपका वजन भी कम होगा। लेकिन हम तो एक काम करो तो वॉक आपकी हो रही होती है, ब्रिस्क वॉक भी हो रही होती है, कभी कभी जॉगिंग भी हो रही होती है,
सब कुछ चल रहा होता है, मतलब कान में आपके गाने भी लगे हैं, आप किसी बात भी करें, लेकिन आपका पूरी बॉडी तो फिजिकल मूवमेंट में है ना। नहीं नहीं नहीं, मैसेज नहीं जा रहा ना, आपका ध्यान नहीं जा रहा। अच्छा, यू कॉन्स्टेंटली टेलिंग योर सेल्फ मैं वॉक इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, कॉन्स्टेंटली टेलिंग दिस टू योर सेल्फ। जी, उसके बाद क्या है, आप रात को बैठे हैं, आप अगर आप 100 से उल्टी गिनती ही नहीं और नींद आ जाएगी तो नहीं गिने, फिर क्या करें, 75 से कर ले। ठीक है, ये बता देता हूँ, अगर 75 से भी नींद आ रही है तो फिर आप 50 से कर ले। आंख बंद करके आप 7 गहरी सांस ले सुकून से, और उसके बाद जब ये गिनती जाएंगे तो आप डीप में आएंगे। आने के बाद आप तसव्वुर करेंगे, पहले वजन करा लें आप, कितना वजन है आपका, ठीक है, सामने एक बोर्ड पे मेंटली लिखें कितना वजन है, वो लिखने के बाद फिर उसको आप मिटा दें माइंड से, ठीक है, मिटाने के बाद आपको कितना वजन चाहिए फिर वो आप लिख दें। ये आप करते रहें रोजाना सोने से पहले, सबसे बड़ी बात है आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको सुकून मिलेगा। जब यहाँ एक मैसेज जाएगा तो पूरी बॉडी में मैसेज जाता है आपको क्या करना चाहिए, तो ये तकलीफ करेगा आप। इस तरह करते हुए एक चीज और बता रहा, आप हैरत होंगी, आप हम किसी भी चीज के लिए ऑर्डर कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, है ना, हाँ सुनिए ना, बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर आप ये देखें कि अभी जो मेरे कपड़े बड़े हो गए हैं तो आप वो छोटे कपड़े देखें कि मैं वो छोटा कपड़े दोबारा जो पहले थी वो पहन के मैं जा रही हूँ घूमने के। हाँ, ये करेंगे दिखेगा आस्ते आस्ते वजन का मॉडल आप लिखें। ऐसा वो होता है पुरानी जीन साइड सामने रख के ये मेरी वेस्ट थी। नहीं, उससे ये है कि आप पहले जैसी थी उस तरह आप अपने देखें अपने माइंड से। ठीक है सर, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ सर, कॉल ही ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी, दोबारा कर लीजिए, हम गप्पों में लगे रहे आपकी कॉल नहीं उठा पाए, आई एम सो सॉरी, हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, आप आई होप आप हमें माफ कर दें। देखिए ना, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग घुसी हुई है, आंखें देख ली, देखिए इंफॉर्मेशन देखने से सुनने से छूने से आती है, और बाकी दो चीजों को तो हम उसको कवर ही नहीं करते। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कोई खूबसूरत से फोटो लगी हुई ब्यूटी पार्लर, तो आप समझ जाते ब्यूटी पार्लर, ठीक है, वो पिक्चर आती सामने आप पहचान लेते। फिर आप कहीं जा रहे हैं, देखिए वो बॉडी बिल्डर वाले यूं बने हुए थे, आप फौरन समझ जाते हैं। इसी तरह बहुत जगह जाते हैं, कहीं तस्वीर लगी थी बिल्कुल स्लिम तस्वीर, तो आप पहचान, अच्छा ये स्लिम सेंटर है। तो इसी तरह आप अपने माइंड में ये चीज फिक्र कर लेते हैं, अपने अपने आप का एक स्लिम खाका बनाइए जी, है ना। हाँ, उसके बाद देखिएगा आस्ते आस्ते ये वजन कम हो, जैसे मैंने उस चार्ट में दिया कितना वजन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे ना तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, और चलना चाहिए, हर एक को चलना चाहिए। बहुत पहले मेरा एक दोस्त आया था ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कौन सी जगह थी, वो कहता था सर यहाँ पर जो है ना ऑफिस के दौरान उन लोग आधा घंटा छोड़ते हैं हम लोग को पैदल चल के आने, ऐसी जगह। हाँ, ऑफिस के दौरान ब्रेक लेते हैं और कहते हैं वॉक करके आप आए उसके बाद बैठे। वाओ, हाँ बड़ी हर ऑर्गेनाइजेशन जी 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 बहुत चाहिए। तो पहले मेंटली फिजिकली आप फिट होंगे तो आप कुछ करेंगे, तो उसी वक्त देखिए जैसा मैंने बताया, हसद चुगलखोरी नफरत इशू, इससे बीमारियां लगती है। फर्स्ट के लिए एक मिसाल देता हूँ, जैसा एक मिसाल दे रहा था, एक साहब मेरे पास आए थे बहुत पहले ना, ताकि मैं ऑलमोस्ट 5 साल हो गया, वो उनकी वाइफ भी आई, वालदा भी आई, बहन भी आई, कहने लगी सर ये 6 महीने से घर पे बैठे हैं, इनको कुछ बीमारी ये लगती है, आप चेक करके बताएं। हमने उनको चेक किया पूरा, तो कहीं से नजर कुछ नहीं आया बीमारी है नहीं थी। फिर एक इंसान काम करते करते तजुर्बा हो जाता है, सोच भी बढ़ जाती है, आप जितना करीब होंगे ना करते रहे तो आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद देते रहते हैं। तो हमने उसको आंख खुलवाया, मैंने बोला भाई आपको तो कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपकी बीमारी यहाँ है। तो हमने उनको बताया ऐसा तो नहीं है कि आप हसद करते हैं, वो उठ के बैठ गया। तो मैंने फिर उसको थॉट आया, मैंने 2-3 चीज बता दी कि भाई आपके पास गाड़ी है मेहरून कलर की, कहें हाँ है, कहना कपड़े की दुकान है, कहें है, मैं फ्लैट में रहते हैं आप कहाँ है। तो मैं लगा कहीं ऐसा तो नहीं है आप गाड़ी चलाते हुए कहीं अगर 50 लाख वाली गाड़ी गुजर के देख हसद गया, तो उठ के बैठ गया, कहना ये तो मसला है। अब देखिए हसद से बीमारी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हसद नहीं होना चाहिए, इशू नहीं बनाना चाहिए। देखिए बी सैटिस्फाइड विद जी, उसी तरह देखें आप कभी फोन करते हैं किसी को, ठीक है,
एक कॉल कर ली, हम लोग में आदत है ना, दूसरी कर ली, तीसरी के लिए नहीं उठाया तो एसएमएस भी भेज दिए। अब होता क्या, अब किस वजह से वो नहीं उठाया, वो हमारे पॉजिटिव सोच नहीं आ रही, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम सोच सकते हैं कि दूसरे इंसान ने शायद नहीं उठाया, नहीं, कि वो किसी काम में होगा या सो रहा होगा या मीटिंग होगी या कुछ होगा, है ना? हाँ, लेकिन बहुत कम है रेशो ये, बहुत कम है। अब उसके बारे में मैं गलत सोच रहा हूँ ये वो, तो पता ये चला उसकी सेहत पे तो कुछ असर नहीं पड़ा, मैं सोच सोच के बीमार पड़ गया, मेरा ब्रेन केमिकल चेंज हो गया, ये हो गया। इसी तरह अपने अपना कोई टॉर्चर में डाल दिया। हाँ, तो एक कॉल है हमारे पास, अगर हमने नहीं उठाई तो वो टॉर्चर में आ रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं, करिए करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हैप्पी डिलाइटेड मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अलहमदुल्ला। भाई मैं तो डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि भाई डॉक्टर, हम अपनी तबियत में डॉक्टर राफिया जो है चेहराओं कैसे लिखे हैं, ना उनको कभी गुस्सा आता है माशाल्लाह से, इतनी अच्छी जगह सबको पैकिंग करती है, इतने अच्छे से देख रहा हूँ माशाल्लाह, कभी मैंने नहीं देखा कि आपने किसी कोई भी रिक्वेट हुई है, किसी को गुस्सा किया है, उसे नहीं भी गाते हैं क्या? आपने अभी जितनी बातें कही है ना अब वो क्या है सब, मुझे फिर कहेंगे कि तुम्हारा वो सिस्टम सही नहीं है, अभी ऑडियो सिस्टम ऐसा आवाज नहीं आई। स्पीकर का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा बढ़ा दीजिए, कॉल के साथ हमेशा यही होता है कि उनकी आवाज मुझे कभी समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से बात करवा रहे हैं, डॉक्टर मैं उनको बता दी थी, आप कह रहे हैं ना हम अपने टॉयलेट में जो है बर्दाश्त करें, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो हम हमारे जो निगले की जो जिस तरह के नशे नशा निगला है, लाइट की गाड़ी की जो हम ड्रेस में फटे में उनको कोशिश के बावजूद भी हमारे खुद से बहुत आ जाता है और वो तबियत में खराब नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए क्या मैं मेडिटेशन करूँ कि हम अपनी तबियत में ठहराव लाए, सुकून लाए, वो सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा चले जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। आया साहब का जो क्वेश्चन है वो अभी हम थोड़ी देर में आंसर करेंगे फॉर शॉर्ट शॉर्ट, अभी जो हम बात कर रहे थे हम दो तरफ आ रहे हैं। अच्छा सर, हम अभी हम बात कर रहे थे कि ये सारी जो टेंशन हम खुद ही अपना सेल्फ वो कर लेते हैं, तो हम अपना टॉर्चर में चले जाते हैं और वो हम ही को हार्म कर रही होती है, तो अब इनसे कैसे, मतलब ये तो नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल कि आपने किसी को फोन किया और उसने नहीं उठाया तो हमने कहा इसको मेरा फोन क्यों उठाया, ये इग्नोर कर रहा है या फिर मुझसे बात नहीं करना चाहता है, ये वो थिंग लाइक दैट, तो इस तरह की चीजें किसी के भी दिमाग में आती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग के शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। हाँ देखिए, इसका तरीका ये है कि जाहिर ही पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, हो सकता है नमाज पढ़ रहे हैं नमाज का वक्त हो, या हो सकता है नहा रहे हैं, हो सकता है रख के भूल गए, बाज वक्त होता है रख के भूल गए, अभी कुछ दिन हो सकता है साइलेंट करके सो गए या कुछ भी है ना। कुछ दिन पहले मैं एक जगह फोन किया, डिफेंस में थे, उनके बेटे थेरेपी करी सही हो गए, तो मैंने ऐसे ही फोन किया तो वो नहीं उठाए, दो तीन दफा किया तो मैं समझ गया रख के भूल गए, तो उस वक्त पीछे नहीं लगना चाहिए, थोड़ी देर हट जाना, छोड़ दें, फिर आधे घंटे बाद पौन घंटे बाद करें। तो जब मैंने उनको फोन किया, उनकी वालदा कहने लगी कि भाई ये आए थे तो कार में रात को मोबाइल भूल गए, कार में रख के आ गए, तो अब देखिए अगर मैं सोचता क्या है तो ये देखा जाए कि assumptions, हमारे assumptions. अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचा तो देखिए आपकी जहनी जिस्मानी कैफियत में क्या तकलीफ हो रही है, पहले आप ये गौर तो करें, आप वो तकलीफ नहीं देखते हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सही। तो इसका तरीका यही है कि थोड़ा सा दरगुजर करें और ये सोच लें कि हो सकता है नमाज, बिल्कुल होता है नमाज पढ़ने, अब किसमें से अजीब सा लगता है नमाज पढ़ने जाओ तो बेचारे पेशवाम साहब बता रहे होते हैं कि मोबाइल फोन उसके बावजूद करते हैं, अब हम कितने वो हो गए हैं देखिए, समझते नहीं है। इसी तरह देखना सिग्नल में खड़े नहीं होते, इतने हाइपर हो गए हम लोग, अपना देखते हैं अपना नहीं दूसरों का सोचें आप। देखिए जब हम अपने अंदर ठहराव पैदा कर लेंगे, कोई भी चीज जो भी है आपकी चादर के हिसाब से आप सोचें, मैं कहा देखिए जितने भी लोग बड़े बने सब जीरो से हीरो बने हैं, यह है या नहीं आप बताइए? नहीं डेफिनेटली, ठीक है। जब हम किसी को कहते हैं ना कि ये बड़ा आदमी बन गया है तो वो यूजली वो आदमी होता है जो कि बहुत ही रैक्स टू रिचेस वाली बात होती है कि वो वहां से ऐसे हुआ होता है, हाँ बाद में जो उसके बच्चे होते हैं वो उसी पॉइंट पे ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन उस इंसान की हिस्ट्री तो मतलब कभी भी कोई भी इंसान को ना
कहाँ से ऊपर गए वो बताना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। बहुत से लोग देखते हैं तो आप मुसलसल मेहनत करते जाए इंशाल्लाह ताला एक दिन आपका भी आ जाएगा। अच्छा सर, कुछ चीज ऐसी होती है कि वो आपके हाथ में नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू वांट टू हैव दैट थिंग, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इट्स लाइक यू वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन। वो चीज कैसे हम कंट्रोल, जिस तरह अगर बैठे बैठे मुझे मेरे दिमाग की मैं वो करूं और वो मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूंगी अभी वो नहीं कर पाऊंगी, आई जस्ट वॉन्ट मिरेकल टू हैपन कि मुझे किसी तरह वो चीज मिल जाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके लिए तो देखिए आपको रात को बैठ के गौर फिक्र करना चाहिए। देखिए ये चीज होती है तखलीकें, तो आपका राइट और लेफ्ट दिमाग जब इकट्ठे उसी वक्त होता है जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, वरना ये अलग अलग काम कर रहे होते हैं, ये अलग काम कर रहा होता है, ये अलग काम कर रहा है। जब जो शख्स दोनों दिमाग इकट्ठा करके सोचते हैं तो वो बड़े होशियार होते हैं, लिखने पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, गौर फिक्र करते हैं। तो ये आपको अगर रोजाना करा जाए आंख बंद करके, जैसे मैंने बताया गिनती गिन के, फिर आपको क्या चीज चाहिए, क्या मसला है और वो आप फिर कैसे वो चीज इमेजिन करेंगे? हाँ, इमेजिन करेंगे आप, उसको बार बार देखेंगे, देखिएगा वो चीज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से वो तकलीफ होने लगती है। हाँ, आस्ते आस्ते जब वक्त होता है वो चीज मिलती है। और कितने लोगों हम बता दे रहे थे हम खुद करें, हम इधर उधर भागते हैं, अरे अल्लाह ताला ने आपको भी दिमाग दिया है, सलाहियत दी है, आप बैठो तो सही। अब देखे ना, एक साहब मेरे पास बहुत पहले आए थे, ऑलमोस्ट 8 साल पहले, वो दुकान खोल लिए थे कहीं गुलशन के इलाके में परचून की। अब वो जाते थे, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाते थे एक दो घंटा खोले बैठ के वापिस आ गए, दुकान चल नहीं रही थी। मेरे पास आए कि सर मैं दुकान खोला और काफी पैसा लगा, कोई ग्राहक नहीं आता। तो उसको मैंने दीनी नुकतन अगर समझाया तब उसके समझ में आया, देखिए कितना फायदा हुआ। मैंने उसको ये समझाया, देखो भाई इस वक्त देखो दुनिया का सबसे अच्छा काम पेश इमाम साहब करते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, इससे अच्छा काम कोई नहीं। ठीक है, मैं तो जब लेक्चर होता तो मैं पूछता सवाल मुंह देखते हैं, सबसे अच्छा काम पेश इमाम साहब करते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं। तो देखिए 5 टाइम अल्लाह ताला की अजान होती, तो उस बंदे को मैंने समझाया, मैंने लगा क्या ख्याल है पेश इमाम साहब अजान दिए, अगर 400 लोग नमाज पढ़ने आए तो पढ़ाते हैं ना, अगर 200 आ जाए तो भी पढ़ाते हैं, 100 आ जाए तो भी पढ़ाते हैं, 2 आ जाए तो भी पढ़ाते हैं, लेकिन 5 टाइम अल्लाह ताला की अजान होती, आओ मेरे दरबार पे आओ माफी मांगो। तो मैंने उसको कहा कि देखो आप 8 बजे दुकान खोल के आप 7 बजे तक बैठो, आना नहीं आना कुदरत का मसला है। हाँ, जब उसको मैंने ये समझाया उसके दिमाग में, आप देखिए कितना बेहतर हुआ, वो बैठता रहा 1 हफ्ते के बाद, फिर उसकी दुकान चली, लोग देखने लगे खुली है। तो भाई आप वक्त की कदर, आप बंद करके आ गया, डिसअपॉइंट हो गया, वो नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, तो नहीं, डे नेवर डू दैट, है ना। चलते चलते ये हुआ, एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मेरे ये पैर सूज गए, इतनी दुकान चलने। तो मैं, भाई देखो अब तुम्हें अल्लाह ताला ने देने वाला बनाया, एक बंदे को नौकर रख लो, उस नौकर का चलना ठीक है। अच्छा, ये चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तभी होगा। यहाँ इस सेगमेंट का टाइम जो है वो मुकम्मल हो गया है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमेशा की बड़ी अच्छी काम की बातें करके जाते हैं, एक छोटा सा टाइनी सा न्यूज ब्रेक है, विल बी राइट बैक।